अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और राज्य सरकार की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। रायपुर में बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन कर धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास स्थान का भी घेराव किया जाएगा। तो जन आक्रोश रैली आज निकाली जाने वाली है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी आशीष, रैली को लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की तैयारी बीजेपी ने इस जन आक्रोश को दर्शाने के लिए कर रखी है? देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता के काबिज होने के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि पहला ऐसा प्रदर्शन होगा जो कांग्रेस सरकार के विरोध में अब तक का बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। विषय एक ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से राज्य की स्थिति है, तमाम ऐसे आंकड़े हैं, चाहे एनसीआरबी की रिपोर्ट हो या छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में बलात्कार की, हत्या की, चाकूबाजी की, लूटपाट की बढ़ती घटनाओं का जिक्र हो या नक्सलवाद का मुद्दा हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर बीजेपी सड़क पर आज आक्रोश रैली निकाल रही है सरकार के विरोध में। बूढ़ापारा धरना स्थल पर बीजेपी के तमाम जो आला नेता है वो एकजुट होंगे, 1 से 3 बजे तक वहां पर नेता धरना देंगे और उसके बाद गृह मंत्री के बंगले की तरफ कूच किया जाएगा। गृह मंत्री के घेराव की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि बीजेपी ने क्लेम किया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज तक इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा जितना बड़ा बीजेपी आज निकालने जा रही है। 3,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में एकजुट होंगे, गृह मंत्री के घर की तरफ कूच करेंगे और बड़ी तादाद में गिरफ्तारी होने के संकेत बीजेपी ने दिए हैं। बीजेपी के आंकड़े पर नजर डालते हैं, बलात्कार की प्रतिदिन 7 घटनाओं का दावा बीजेपी करती है कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक का जो ग्राफ है उसमें राज्य में प्रतिदिन 7 बलात्कार की घटनाएं हुई, यानी कुल 2700 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये मामले आते हैं। जिस वक्त बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है उसके ठीक एक दिन पहले, यानी कल देर रात के घटना का ब्यौरा दें तो रायपुर में चाकूबाजी से एक और हत्या हो गई है। आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामी के चलते, हालांकि हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, जैसा कि आशीष भी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा विरोध जाहिर करने के लिए ये आक्रोश रैली निकाल रही है काफी संख्या में। जैसा कि आशीष ने जिक्र किया कि 3,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के इस रैली में शामिल होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे होने वाले हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ रही है वो तमाम फैक्ट्स इस रैली के माध्यम से दर्शाने की कोशिश एक तरफ बीजेपी की रहने वाली है। तो कई सारे नेता, पूर्व में रहे नेता और बड़े चेहरे इस रैली में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं की संख्या की अगर बात कर ली जाए सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जन आक्रोश रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं, लगभग इनकी संख्या 3,000 बताई जा रही है। और चलिए अब अगली खबर की